हरियाणा लोकहित पार्टी के कर्ता धर्ता गोपाल कांडा शंखनाद रैली करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे और उससे पहले एक रोड शो हो रहा है। चलिए आपको सीधे उसी रोड शो में लिए चलते हैं। तो हरियाणा लोकहित पार्टी की शंखनाद रैली है। रैली से पहले गोपाल कांडा का ये रोड शो आप देखिए, काफी भीड़ जुटाई गई है और भारी संख्या में समर्थक उनके साथ मौजूद हैं। ये भी आपको जानकारी दे दें कि ये रोड शो निकल रहा है सिरसा में और शंखनाद रैली भी सिरसा में ही है। रैली में पहुंचकर अपने समर्थकों को जरूर संबोधित करेंगे और साथ ही बताएंगे कि आने वाले समय में उनकी रणनीति क्या है। विधानसभा चुनाव में फिर से सक्रिय पूरी तरीके से गोपाल कांडा होते हुए दिखाई दे रहे हैं और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि काफ़ी भीड़ जुटाई गई है और सड़क पर हर तरफ उनके समर्थक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ये भी बड़ी बात है, गौर करने योग्य कि चुनाव नज़दीक आते ही अब गोपाल कांडा पूरी तैयारी के साथ अपने विरोधियों को भी चुनौती देते नजर आएंगे आज की शंखनाद रैली से और बताएंगे कि वो अभी किसी से कम नहीं है और चुनाव में क्या उनका मूड है, किस तरह की रणनीति अख्तियार करके आगे बढ़ेंगे, क्या उनका किसी से गठबंधन होगा, क्या वो किसी पार्टी को समर्थन देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भविष्य की बात है। लेकिन आज कुछ ना कुछ संकेत देते जरूर गोपाल कांडा नजर आएंगे। पूर्व में मंत्री रहे हैं और काफ़ी कुछ राजनीति में उनके नाम भी है, काफ़ी अनुभव है राजनीति का और एक बार फिर से अब अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। इस बार किस तरह का उनका असर रहने वाला है सिरसा में या आसपास के क्षेत्रों में, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि इतना ज़रूर है कि जनाधार तो है गोपाल कांडा का आज भी, और जहां भी जाते हैं लोगों की समस्या को सुनने का काम करते हैं और अब यहां पर जिस तरह से रोड शो का चल रहा है, इसके बाद शंखनाद रैली में भी संबोधित करेंगे अपने समर्थकों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को गोपाल कांडा। इस हिस्से से सीधे तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर रोड शो चल रहा है गोपाल कांडा का और लोकहित पार्टी उनकी, जो कि पहले भी किस्मत आजमा चुकी है और एक बार फिर से गोपाल कांडा सक्रिय राजनीति में पहले से आ चुके हैं और लगातार जनता के बीच जा चुके हैं और मूड भी भाप चुके हैं कि लोग अब क्या चाहते हैं, किस तरह की समस्याएं उनकी है और हर आम जन के पास जाकर उनके मुद्दे भी जान लेते हैं और ये इन्होंने किया भी है पहले भी, लगातार खबरों में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। और साथ ही ये भी आपको जानकारी दे दें कि बहुत से समाज में काम किए इन्होंने, समाज सेवा की है, समर्थकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। शंखनाद रैली है आज और ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है रैली, वो इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से कई समीकरण बन रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में, उससे पहले अब गोपाल कांडा की जो शंखनाद रैली है इसमें क्या वो अपनी रणनीति आगे बताएंगे अपने समर्थकों को या जो उनके विरोधी हैं उनकी भी नज़रें जरूर टिकी हुई होंगी इस शंखनाद रैली से। क्योंकि नाम से ही आप देखिए शंखनाद करने जा रहे चुनावों का, विधानसभा चुनाव में किसको टक्कर दे रहे हैं और गोपाल कांडा क्या किसी पार्टी के साथ जा सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं, क्या समीकरण बनेंगे, किस तरह से किसका खेल बिगाड़ सकते हैं गोपाल कांडा, ये भी देखने वाली दिलचस्प बात है। क्योंकि देखिए जैसे ही विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, सभी पार्टियों के नेता अब सक्रिय भूमिका अदा करते नजर आ रहे हैं, जहां अपने समर्थकों के बीच पहुंच रहे हैं तो वहीं आम लोगों के बीच जाकर भी उनके मुद्दों को उठा रहे हैं और जहां मौजूदा बीजेपी सरकार को कोसने का काम करते हैं विपक्षी दल के नेता, तो वहीं लोगों से वायदे भी किए जा रहे हैं और यही गोपाल कांडा भी कर रहे हैं। लेकिन क्या इनका मूड है फिलहाल, क्या ये करना चाहते हैं विधानसभा चुनाव में, क्या ये सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश करेंगे या फिर गठबंधन करेंगे, समर्थन देंगे और खुद की किस तरह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं गोपाल कांडा, ये देखने वाली बात होगी। और ये सिरसा की तस्वीरें हैं, ये काफिला उनका रोड शो में देखा जा सकता है, लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई हैं उनके पीछे और तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे गोपाल कांडा जो कि अभिवादन करते हुए मौजूद लोगों का, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हुए और शंखनाद रैली में जाते हुए, इसके बाद उनका बड़ा कार्यक्रम है संबोधित करने का रैली का। और साथ ही जैसे कि हमने जिक्र किया है पहले भी
गोपाल कांडा अगर रैली से कोई बड़ा ऐलान करते हैं तो बहुत कुछ निर्भर करता है हरियाणा राजनीति पर असर करने का कि क्या होने वाला है आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो विधानसभा चुनाव को लेकर अगर बात भी करें तो आचार संहिता सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में लग सकती है, ऐसी चर्चाएं भी है। उससे पहले ये तैयारियां जरूरी है सभी नेताओं की। और इसी कड़ी में गोपाल कांडा जिस तरह से देखिए लोगों से किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, बीच में मिल रहे हैं, जो भी उनके पास आ रहा है उनका अभिवादन कर रहे हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हितेशी हैं अगर उनके तो गोपाल कांडा ही हैं। सिरसा में विकास करवाने का दावा अगर करते हैं तो गोपाल कांडा ही करते हैं। इससे पहले भी जो है राजनीति में बहुत कुछ उन्होंने हासिल किया है और एक बार फिर से उनका प्रयास ये है कि लोगों के बीच जाकर फिर भी से लोकप्रियता अपनी हासिल कर सकें और बता सकें कि वो किस तरह से पहले भी काम कर चुके हैं और अब भी काम कर रहे हैं, लोगों के लिए ही राजनीति में आए थे और अब भी लोगों के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा विरोधियों को निशाने पर समय समय पर लेते रहते हैं गोपाल कांडा और बताते रहते हैं कि वो जिस मुकाम पर हैं और जिस तरह पहुँचे हैं उसमें दूसरे लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और यहाँ जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं, वरना उनका जिस तरह से बिजनेस था उसको लेकर भी हमेशा चर्चाएं होती ही रहती हैं। उनके विरोधी भी तरह तरह की उनके बारे में बातें तो करते हैं लेकिन बखूबी जवाब भी गोपाल कांडा हमेशा देते रहते हैं और आगे आकर देते रहते हैं। और अब की बार किसकी सरकार, ये बड़ा सवाल है और इसी सवालों के जवाबों के बीच गोपाल कांडा की भूमिका क्या होगी इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है आज की शंखनाद रैली। इसलिए ये तस्वीर दिखाना आपको ज़रूरी है कि फिलहाल हरियाणा राजनीति में क्या क्या हो रहा है। ये भी सिरसा में तस्वीरें एक तरह से समीकरण बनाती हुई दिखाई दे रही होंगी आपको। कई तरह की चर्चाएं हैं, क्या बीजेपी के साथ गोपाल कांडा जा सकते हैं, क्या दूसरी तरह से मन बनाकर दूसरी पार्टी के साथ जा सकते हैं, ये चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में। हालांकि इनका जवाब समय के साथ साथ मिल जाएगा, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन शंखनाद रैली में किस तरह का शक्ति प्रदर्शन रहता है गोपाल कांडा का इस पर भी सब कुछ निर्भर रहेगा। इस पर भी उनके विरोधी भी और उनके समर्थक भी दोनों नजर गड़ाए हुए हैं। हलोपा का सिरसा हलके में रुका पड़ रहा से।